हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट विद दर्शन बुक का सेकंड लेसन रीड करेंगे, द फ्रेंडली मुंगोज। फ्रेंडली होता है मैत्रीपूर्ण या दयालु, मुंगोज होता है नेहुला। कि जो नेहुला था वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था या वो बहुत ही दयालु था। इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि एक किसान अपने छोटे बच्चे और अपनी वाइफ के साथ, जैसे कि आप इस सीन में देख रहे हैं कि जो किसान है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहता है और वो एक नेवले को अपने घर पालतू बनाकर लाता है कि मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए उसको एक साथी मिल जाएगा। बट एक दिन वो उसकी वाइफ और वो किसान दोनों उसको छोड़कर किसी काम से बाहर जाते हैं और उनके घर में कोई सांप एंट्री करता है। नेवला जब सांप को देखता है कि वो बच्चे को काटने वाला है तो नेवला उस सांप को मार देता है और वो गेट के पास जाकर बैठ जाता है कि अभी जो उसकी मालकिन है वो आएगी। लेकिन जब वो औरत आती है घर पर और उसके हाथ में एक बहुत सारी सामान होता है, उसके पास एक टोकरी होती है जिसमें सामान भरा होता है, जैसे ही देखती है कि नेवले का मुंह खून से भरा हुआ है तो वो उसके ऊपर वो टोकरी फेंक देती है। उसे लगता है कि इस नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है और वो जब अंदर जाके देखती है तो उसके पलने के पास जो है एक सांप मरा हुआ पड़ा होता है। तब उसे अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन तब तक जो नेवला था वो भी मर चुका होता है। तो आइए हम इसे स्टोरी में रीड करते हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगोज इन द हाउस हू दे बिलीव्ड would be their son's companion and friend in future. उनके साथ एक नेवले का बच्चा भी रहता था घर में, जिसको वो सोचते थे, उन्हें विश्वास था कि ये बड़ा होकर उनके बच्चे का, उनके लड़के के साथ का साथी बनेगा और उसका दोस्त बनेगा भविष्य में। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mungoj. एक दिन जो किसान है और उसकी पत्नी घर से बाहर जाते हैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर। तो क्या होता है, देखिए। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो दोनों अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमें एक पालतू जानवर रखना होगा। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। जो फार्मर था, किसान था, उसने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। वहन अवर सन ग्रोज अप। जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन। तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी अवर सन्ज कंपेनियन। ये जो पैट होगा, जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक दिस आइडिया। और उसकी जो पत्नी थी, उसे उसका ये विचार पसंद आया। ऑन इवनिंग, शाम को द फार्मर ब्रोट होता है लाना विद हिम ए टीनी टीनी होता है छोटा मुंगोज होता है नेवला। कि शाम के समय जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा नेवला लाता है। इट इज ए बेबी मुंगोज। ये एक छोटा बेबी मुंगोज है, नेवला है। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। लेकिन ये जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। और वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मुंगोज ग्रीव। दोनों बच्चे और जो नेवला था वो बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मुंगोज हैड ग्रोन टू फुली टू इट्स फुल साइज। लगभग 5 या 6 महीने में जो नेवला था वो अपना फुल साइज में आ गया था, बहुत बड़ा हो गया था। ए लवली एनिमल, एक बहुत ही प्यारा जानवर, विद टू शाइनिंग ब्लैक आई, जिसकी दो चमकदार काली आंखें थी, एंड ए ब्यूसी टेल, और उसकी जो पूंछ थी वो बिल्कुल जंगली थी। द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। जो किसान का लड़का था वो अभी भी बहुत छोटा था, और क्रेडल होता है पलना, वो भी पलने में झूलता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और वो पलने में ही सोता था और चिल्लाता था, रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की पत्नी थी वो बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, एंड रोक्ड हिम टू, और वो उसे
हिलाते हुए हिलाने लगी टू स्लीप इन द इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसने उसे उसके छोटे पलने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी उठाते हुए सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को कहा, अपने पति को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज, वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अफ्रेड होता है डरना। सैड द फार्मर, किसान ने उससे कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल, वो एक मैत्रीपूर्ण पशु है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वो इतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बच्चा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानते हो कि वो दोनों कितने अच्छे मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो उसकी पत्नी थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो किसान था उससे भी कोई काम नहीं था घर पर करने के लिए, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, वो जब पत्नी के जाने के बाद किसान सोचता है कि घर पर उसके लिए भी कोई काम नहीं है तो क्यों ना मैं अपने खेतों में जाकर एक बार देखाऊं, जो कि उसके खेत थे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में अपने कुछ दोस्त मिले। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्विट समटाइम्स, और वो कुछ देर तक वहाँ घर नहीं लौट सका। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, अब क्या होता है जो फार्मर होता है किसान की पत्नी बाजार से वापस आती है घर, वो अपने हाथ में अपने साथ एक बहुत ही भारी टोकरी, बास्केट क्या होती है टोकरी लिए हुए है। सी फाउंड द मंगोज एज द एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑफ हिज फेस एंड पाज। सी फाउंड द मंगोज, वो क्या देखती है कि जो नेवला है एट द एंट्रेंस, वो मेन गेट पर बैठा हुआ है, एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ था, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाज, उसके पंजे पाज होते पंजे और फेस होते चेहरा, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। सी जंप्ड टू द कंक्लूजन, और अचानक से वो निर्णय पे आ गई, निष्कर्ष उसने निकाल लिया कि क्या हुआ होगा, दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, और वो सोचती है कि ये उसके बेटे का खून है। एंड द मंगोज वॉज द गिल्टी वन, और मंगोज जो नेवला है उसने उसके बेटे को मारा है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, जो किसान की पत्नी है उसने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, पूरी की, एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और वो घर वापस आती है एक किराने के सामान से भरी हुई टोकरी के साथ। सी सा द मंगोज सिटिंग आउटसाइड, वो देखती है कि जो मंगोज था वो नेवला था वो बाहर बैठा हुआ है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसा कि मानो वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखते ही ही रेन टू वेलकम हर, वो उसका स्वागत करने के लिए गया, एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि वो हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगोज, फार्मर की जो किसान की पत्नी है वो एक नज़र नेवले पर डालती है, एंड स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाती है, ब्लड खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पाज ऑफ द मंगोज वर स्मेड विद ब्लड, स्मेड होते भरे हुए थे, जहाँ पे लगा हुआ था वो खून से सने हुए थे, भरे हुए थे उसका जो चेहरा और पंजे थे। यू वीक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, हिस्ट्रिकली यहाँ पर होता है पागलों की तरह चिल्लाना, हिस्ट्रिकली होते पागलों, और स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, वो पागलों की तरह चिल्लाती है कि तुम दुष्ट जानवर, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो बदला लेने, रेज होता है बदला लेना, वो अंधी हो चुकी थी, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो उसके पास ग्रोसरी जो किराने के सामान से भरी हुई बास्केट थी वो उसे ब्रोट डाउन, उसे नीचे गिरा देती है। ऑन द ब्लड स्मेर्ड मंगोज, जो कि खून से भरा हुआ, खून से सना हुआ नेवला था उसके ऊपर भरी बास्केट को डाल देती है। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और जो बच्चे का झूला है पलना है उसके पास दौड़ती हुई जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बच्चा था वो आराम से सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर, फ्लोर होता है फर्श पर, ले ए ब्लैक स्नेक, एक काले रंग का सांप, स्नेक क्या होता है सांप,
लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, टोर्न एंड ब्लीडिंग, जिसके के टुकड़े हो रखे थे और उसमें से खून बह रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, तभी एक नज़र में उसे महसूस हुआ, उसने महसूस किया कि क्या हुआ होगा। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज, अब वो बाहर दौड़ती है नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। What have I done, ये मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह चिल्लाई, टचिंग द मंगोज, नेवले को स्पर्श करते हुए कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलती से इसको मार दिया। हु ले डेड एंड स्टिल, जो नेवला था वो मर चुका था। एंड स्टिल, और अब भी, अनअवेयर ऑफ हर शोबिंग, शोबिंग होता है सिसकियां, जो कि वो रो रही थी कि उसकी जो सिसकियों से बेपरवाह नेवला मरा हुआ आराम से वहाँ पड़ा था। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, वो हैड एक्टेड हैजिटली हैस्टीली एंड रेस्टली स्टेयर्ड लॉन्ग एंड एट द डेड मंगोज, जो कि फार्मर की पत्नी थी, वो चिल्लाते हुए रोते हुए बुरी तरह से जो नेवला था वहाँ पर, जो मरा हुआ नेवला था, उसको घूर रही थी, उसको एक टक देखे जा रही थी। देन सी हर्ड, तभी वो आवाज़ सुनती है द बेबीज क्राइंग, अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पूछते हुए सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर जाती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी द फ्रेंडली मंगोज की। आप अपनी बुक में से इस लेसन को रीड कीजिए। थैंक्स।